हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिगलू आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी एमएस एक्सेल पे। मैं आपको आज एमएस एक्सेल का एक ऐसा फीचर बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एमएस एक्सेल की शीट पर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डेटा ले रखा है, जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉई, एज, एड्रेस, करंट सर्विस से मेरा मतलब है उनको कितने सालों का एक्सपीरियंस है। तो ये जो मेरे डिजिट्स लिखे हैं 12, 11, 15, इनको आप ईयर्स में काउंट कीजिएगा। और साथ ही साथ में मैंने सेल नंबर लिए, मैनुअली टाइप किए हैं मैंने। तो अब बात करेंगे, अगर मान लीजिए कि फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द इनिशियल स्टेज आपको कहा जाता है कि आपको ये डेटा जो है ये आपको प्रिपेयर करना है और इनको इसको फाइनलाइज भी करना है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले अपने हिसाब से डेटा को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो चीज़ें आपको बेस्ट लगती है, जो चीज़ें आपको लगती है कि हाँ भाई ये होनी चाहिए, वो आप रखेंगे, और जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए होती हैं वो आप रिमूव कर देते हैं। तो वैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए कि आप इन द बिगनिंग जब कोई काम कर रहे हैं किसी चीज़ पर और आपको लगता है कि इस वक्त मुझे एज की ज़रूरत नहीं है, पर मे बी ऐसा हो सकता है कि मुझे बाद में एज की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप इसको कर देंगे हाइड, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ में करंट सर्विस को भी सपोज ऐसा मान के चलते हैं। साथ ही साथ में ये तो मैंने कॉलम आपके हाइड कर दिए। अब साथ ही साथ में मान लीजिए मुझे सीरियल नंबर 3 की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी कर देते हैं हाइड, और सीरियल नंबर 5 की भी ज़रूरत नहीं है तो इसको भी कर देते हैं हाइड। अब यहाँ पर रह जाते हैं 3 नाम। मेरा डेटा तो बहुत ही छोटा था इसलिए 3 नाम रहे। मान लीजिए आपने हंड्रेड्स पे थाउजेंड्स पे काम किया है और आपने ऐसे हाइड कर दिया है सबको, यहाँ मैंने 2 ही नाम हाइड किए ना, सीरियल नंबर 3 एंड सीरियल नंबर 5, जैसे कि आप यहाँ भी दे सकते हैं 1, 2, 4 एंड 6, 3 गायब है और 5 गायब है। क्यों गायब है? वो मैंने हाइड किए हुए। अब मान के चलते हैं कि आपने थाउजेंड्स में नेम चढ़ाए हुए और उनमें से 300-400 लोगों को या ज़्यादा को भी हो सकता है हाइड किया हुआ है, और इधर से आपने कुछ कॉलम्स भी हाइड किए हुए, और आपका वर्क जब फाइनलाइज हो जाता है, आप अपने काम को कंप्लीट कर लेते हैं, अब आप चाहते हैं कि ये जो मैंने हाइड किया था अब तो मुझे इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और मैं इनको रिमूव कर दूं, तो आप हिडन कॉलम्स एंड हिडन रोज को कैसे डिलीट करेंगे जब आपके पास ह्यूज डेटा होगा? आप क्या फिर से इन सब की सिलेक्शन करेंगे, फिर इधर से इनको अनहाइड करेंगे कुछ इस तरीके से, और उसके बाद आप इनको रिमूव करेंगे? जैसे इसको पकड़ा, फिर इधर से कर देंगे डिलीट, फिर इसको कर देंगे यहाँ से डिलीट, ये तो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। कॉलम को तो आप इजीली कर लेंगे, पर रो में मान लीजिए मुझे सीरियल नंबर 3 और सीरियल नंबर 5 को डिलीट करना है, ये तो 2 नाम है मैं कर दूंगा, आपके पास हंड्रेड्स में होंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो उसी पे मेरी आज की वीडियो है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इनको फिर से हाइड कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस वन एंड दिस वन टू, और इसको भी हाइड कर देता हूँ और इसको भी, फिर से उसी पॉइंट पर आ गए जितना किया था। अब क्या करेंगे कि आप, हम यहाँ से जाएंगे फाइल पर, फाइल में आपको इन्फो का ऑप्शन मिलता है, ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पर आपको इन्फो का ऑप्शन मिलता है, आपने इस इन्फो पर क्लिक करना है। जब आप इस इन्फो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस खुल जाते हैं, जस्ट लाइक आप देख सकते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक, मैनेज वर्कबुक, चेक फॉर इश्यूज, तो आप इसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर। तो इसके बाद आप नीचे बॉटम पर आएंगे और बाई डिफ़ॉल्ट आपको हिडन रोज एंड कॉलम जो ये ऑप्शन मिलेगा ये आपको हमेशा ही एनेबल मिलेगा, मतलब कि टिक मार्क मिलेगा। तो इंस्पेक्ट पे क्लिक करने से पहले एक बार देख लीजिएगा, कभी आपने इसको डिसेबल मत किया हो, एनेबल होना चाहिए, मतलब टिक मार्क होनी चाहिए। तो उसके बाद आप इंस्पेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ रिव्यू आ जाएंगे, रिव्यू द इंस्पेक्शन रिजल्ट्स। तो आप नीचे बॉटम पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है हिडन रोज एंड कॉलम्स, यहाँ पे ये मुझे बताता है नंबर ऑफ हिडन रोज फाउंड 2, मतलब मैंने 2 रोज जो है वो हाइड करके रखे हैं और कॉलम भी मैंने 2 हाइड करके रखे हैं। अगर आपने अपने डेटा में जो आपका ह्यूज डेटा होगा उसमें अगर आपने 200-300 रखे होते तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाते, और यहाँ पे अगर आप इसके साइड पे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिमूव ऑल का, जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो देखने से पहले आप चीज़ एक नोटिस कीजिए, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 ये आपको यहाँ पे जो साइड में दिख रहा है 1, 2, 4 एंड 6, 3, 4 यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे बी एंड डी नहीं है, जैसे ए सी ई आ रहा है, बी और डी नहीं है। जैसे मैं इस पर रिमूव ऑल करूँगा तो आपको सीरियल भी एक प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा और ए बी सी डी भी आपको प्रॉपर मिल जाएगा। क्लिक करता हूँ, आप देखिएगा तो आप देख पाएंगे, देखिए इसको मैं सेट कर लेता हूँ सबसे पहले, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, देखिए 1, 2, 3, 4
क्लियर है, और ABC। तो आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।